हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम है नफीस चौधरी और कल हमने अपनी क्लास के अंदर स्टार्ट किया था सीआरपीसी सेक्शन 1 को कवर किया था। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 2 को कवर। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब सेक्शन की डेफिनेशंस हैं वो बताऊंगा। जुडिशरी लेवल से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बताऊँगा और आपको भी ये बताऊँगा आपको इन्हें कैसे याद रखनी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। इसका सब सेक्शन ए कहता है कि बिलोबल ऑफेंस। बिलोबल ऑफेंस क्या होते हैं? देखो, एज पर डेफिनेशन ये कहा गया है बिलोबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस विच इज शोन बिलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। अब फर्स्ट शेड्यूल जो है वो बहुत लेंथी है, आपको पीछे देखना पड़ेगा सीआरपीसी के अंदर कि दे रखे हैं शेड्यूल कि क्या क्या है उसके अंदर, कौन से कोर्ट ट्रायल करेगी, क्या क्या पनिशमेंट है उसके अंदर, और कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, वो सारी चीज़ें दे रही होती हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर 3 साल से कम की सज़ा देती है, और जो अदर ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर 3 साल से ऊपर की सज़ा होती है उनके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो। Bailable offence means an offence which is shown bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offence means any other offence. अब जो another definition दी गई है section 2 के अंदर वो दी गई है चार्ज। देखो, चार्ज जो है पूरी CRPC के अंदर कहीं भी डिफाइंड नहीं है, कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर भी स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है चार्ज मींस हेड ऑफ चार्जेस व्हेन चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड्स। चार्ज कहता है कि जब भी आप ऑफेंस करेंगे, ठीक है, तो कोर्ट के अंदर ऑफेंस जो लगाए जाते हैं वो चार्ज के फॉर्म में लगाए जाते हैं। अब चार्ज कैसे? आपने चोरी की तो चोरी में आपके ऊपर जो ऑफेंस है उसके अंदर चार्ज लगेगा, वो लगेगा 379। अब 379 लगा है तो हो सकता है आपसे रिकवरी भी हो जाए, जो माल है जिसकी चोरी की गई है उसकी बरामदगी भी हो, तो ये आता है 411 के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी ऑफेंस होगा और कोई भी आदमी उसके अंदर अरेस्ट होगा तो उसके ऊपर जो पनिशमेंट लगाई जाएगी वो चार्ज के फॉर्म में लगाई जाएगी, चाहे वो चोरी में हो, चाहे मर्डर में हो, चाहे डिफरेंट जो भी है आपके ऑफेंस करेंगे उनके फॉर्म में हो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। सिंपल से लैंग्वेज में आपको, अब ये बात तो हो गई कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब बेसिकली मेन चीज़ ये है कि ये वो ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर जो पनिशमेंट होती है ना वो 3 साल से ज़्यादा की होती है। ये इस डेफिनेशन के अंदर नहीं लिखा, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये वो ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंप्लेंट। देखिए, अगली डेफिनेशन कहती है कंप्लेंट। जब भी कोई आदमी परेशान होता है तो वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है सेक्शन 200 के अंदर सीआरपीसी, जिसे कहते हैं कंप्लेंट। अगर किसी आदमी को जानता है या फिर वो नहीं जानता है, सिर्फ उसे एलिगेशन पता है कि हाँ उसने मेरे साथ ये गलत काम किया है और मैं उसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट डाल दूँ, तो कंप्लेंट 200 के अंदर फाइल कर सकता है। ये कहा गया इसके अंदर, सिर्फ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें कहा गया कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेक एक्शन दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। इसके अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। मेन चीज भी याद रखनी है आपको, देखो कि पुलिस रिपोर्ट क्वेश्चन यही आ जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड होती है या नहीं होती। देखिए, जब भी कोई रिपोर्ट
एक पुलिस ऑफिसर फाइल करता है, उस रिपोर्ट के अंदर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है, इस स्थिति में जो रिपोर्ट फाइल की गई है वो कंप्लेंट बदल जाएगी और जो पुलिस ऑफिसर है वो कंप्लेनेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते और बेसिकली इसमें कुछ समझाने लायक कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डेफिनेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन आती है, इसमें आपको कुछ बेसिकली कुछ आता भी नहीं है, ना पेपर से कुछ पूछा जाता है और कुछ समझाने लायक है भी नहीं। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंक्वायरी। देखिए इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है अदर देन ट्रायल, यही लिखा गया है। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। ठीक है, तो इंक्वायरी कौन करेगा, मजिस्ट्रेट और कोर्ट करेगी अदर देन ट्रायल। बस इसके अंदर याद ही रखना है कि सिर्फ इंक्वायरी कौन कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है। हाँ, क्वेश्चन जो आ सकता है हमारे जुडिशियल लेवल में, ये क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो बनता है कि ये कौन कंडक्ट करता है इंक्वायरी, बट ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये सेक्शन 2 के कौन सा सबसेक्शन में लिखा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सबसेक्शन जी के अंदर लिखा गया है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज इन्वेस्टिगेशन। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो भी करता है वो करता है पुलिस ऑफिसर, हमेशा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करेगा ताकि एविडेंस कलेक्ट कर सके। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट ऑन दिस बिहाफ। तो इसमें सिंपल लिखा गया कि या तो पुलिस ऑफिसर करेगा या कोई भी ऐसा पर्सन जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथोराइज हो। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज जुडिशियल प्रोसीडिंग। देखिए प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होती है जिनके अंदर एविडेंस आर टेकन ऑन ओथ, एक शपथ के द्वारा एविडेंस को लिया जाता है कोर्ट के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन है लोकल जुडिशन। लोकल जुडिशन देखो, हर कोर्ट जो होती है वो अपने एरिया के अंदर लोकल जुडिशन के अंदर ही अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है, उससे बाहर नहीं कर सकती, ये बताया गया है इस डेफिनेशन के अंदर। देखिए नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरिया होता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है अगर उसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो जाए। बस यही इसमें लिखा गया है। अब बेसिकली ये है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 8 के अंदर, अभी इसको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हम नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, जो डेफिनेशन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, इसके लिए बकायदा जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर चाहिए आपको अरेस्ट करने के लिए, यही कहा गया है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की क्या डेफिनेशन है। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। नाउ मैं आपको अगली डेफिनेशन बताता हूँ। अगली डेफिनेशन है नोटिफिकेशन। देखिए नोटिफिकेशन जो भी इशू होता है वो राजपत्र के द्वारा इशू किया जाता है, जिसे कहते हैं हम ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट, देखिए ऑफेंस, ऑफेंस क्या होता है? देखिए ऑफेंस होता है ऐसी कोई भी एक्ट और ओमिशन जो हमारे भारतीय दंड संहिता के सहित पनिशेबल है, उसे ऑफेंस कहते हैं, या ऐसा
ऑफेंस जो कि कैटल एक्ट के अंदर आता है, कंप्लेंट, जैसे सेक्शन 20 के अंदर अगर कंप्लेंट होती है तो उसे भी हम ऑफेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नाउ अब अगली डेफिनेशन है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं आता इसके अंदर से। एक डेफिनेशन है प्लेस, कुछ नहीं आता। लीडर, कुछ नहीं आता। पुलिस रिपोर्ट, देखिए पुलिस रिपोर्ट जो होती है सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के अंदर फाइल की जाती है, सीआरपीसी के अंदर। सेक्शन 2 सबसेक्शन है हमारा आर। उसके बाद आती है कि पुलिस स्टेशन कुछ नहीं आता। प्रिस्क्राइब बाय रूल्स है, एक डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है सेक्शन 24 के अंदर अपॉइंट होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इनकी एक्सपीरियंस चाहिए होता है 7 साल का, और इनके जो पैनल बनाया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाता है। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद अब हम पढ़ेंगे सब डिवीजन। तो सब डिवीजन का इसके अंदर दे रखी है, सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट दे रखा है इसको। बेसिकली हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन 7 के अंदर। अभी हम इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ेंगे समन केस। समन केस क्या होते हैं? समन केस वो केस होते हैं बेसिकली जिनके अंदर पनिशमेंट जो होती है वो 2 साल से कम होती है, वो होते हैं समन केस। और वारंट केस वो होते हैं जिनके अंदर पनिशमेंट जो होती है वो 2 साल से ज़्यादा की होती है, ये होते हैं वारंट केस। ये जो डिफाइन है समन केस है, ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन W के अंदर डिफाइन है, और वारंट जो डिफाइन है सबसेक्शन क्या बोलते हैं X के अंदर डिफाइन है। अब इनके बीच में एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, वो आ जाती है देखो समन और वारंट के बीच में एक डेफिनेशन आती है विक्टिम की, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विक्टिम का मतलब है अ पर्सन हु सफर्ड अ लॉस, जो लॉस सफ़र करता है वो विक्टिम होता है। इसकी डेफिनेशन और किस सबसेक्शन में है आता है, ये हमेशा आता है। प्लेस, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसेक्शन कौन से हैं सेक्शन 2 के अंदर। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है विक्टिम की डेफिनेशन और इंक्वायरी, कंप्लेंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और मेरे हिसाब से सब के ही कुछ भी पूछ सकता है जो हमारा पेपर हो सकता है, कि जिसमें इनके सबसेक्शन किसके अंदर नहीं है। हम डेफिनेशन पर्टिकुलर पूछ सकते हैं पर बेसिकली सारी चीज़ें इनके नहीं होंगी। इसका एक तरीका है याद करने का, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आप हर किसी के फर्स्ट वर्ड जो है वो आप जो है याद रखें, जैसे BCCH III, पी का मतलब है बेलेबल ऑफेंस, BCCC का मतलब है चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस कंप्लेंट, BCCC हो गया, एच हाई कोर्ट, III, इंडिया इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, और ये बात क्या था, जे का मतलब क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। जे के बाद के की कोई डेफिनेशन नहीं है, के के बाद एल का मतलब है लोकल जुडिक्शन, एल के बाद है एम क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। उसके बाद आ जाता है आपका डबल एन क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नोटिफिकेशन, ओ का मतलब है ऑफेंस ऑफिसर इन चार्ज। मतलब पी सबसे मुश्किल होती है, पी कैसे याद किया जाए। देखिए पी याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक प्लेस था जहाँ एक प्लेटर रहता था, प्लेटर के पास पुलिस रिपोर्ट आई, कहाँ से आई, पुलिस स्टेशन से आई, प्रिस्क्राइब किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, ये एक सीक्वेंस है जिससे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आया था आपका सब डिवीजन के बाद आया था आपका सम्मन की डेफिनेशन के बाद आ जाता आपका विक्टिम के बाद आता आपका वारंट, और वारंट के बीच आता था वर्ड्स आर एक्सप्रेशन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। थैंक यू।